चलो ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे थे, आज स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। कल तक तो हम आपको बताए थे कि संविधान कोई नहीं, जो छोटे बाद में करवा दूँगा, आज शुरू कर देते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमने आपको बताए थे कि संविधान के कितने भाग थे, 22 भाग, और 22 पार्ट्स में मैंने कहा था कि कौन कौन सा भाग था, किस में क्या क्या प्रोविज़न किया गया था, और जो छोटा है 2-3 भाग, 15 तक हम इलेक्शन तक चले गए थे, निर्वाचन तक, है ना, वो मैं करवा दूँगा। पॉलिटी तो मैं नहीं पढ़ाना अब, है ना, तो क्यों ना हम आज टॉपिक शुरू कर दें, ठीक है ना। चलो ध्यान देना आज। सबसे पहले देखिए, हम बात करेंगे कि संविधान क्या है और संविधान सभा का निर्माण कैसे कैसे किया गया है, दोनों चीज़ों की बात करेंगे। कि मतलब देखिए, आज जो हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, ये संविधान कैसे बनाया, अंग्रेजों ने या भारतीयों ने, दोनों ने प्रयास किया, या भारतीयों का ही प्रयास है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, किसी भी, अगर मैं भारत के संविधान की बात करता हूँ तो इसमें अकेले भारतीयों का प्रयास ही नहीं, अगर ब्रिटिश नहीं चाहते तो हमें संविधान सभा का निर्माण हमारे यहाँ नहीं करते। इसलिए याद रखना कि जब हम आपको संविधान की प्रक्रिया समझाएंगे तो संविधान सभा को बनाने में और भारत के संविधान को बनाने में ब्रिटिशों का भी बहुत बड़ा योगदान था बच्चे। कि मैं दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा कि भारतीयों का प्रयास संविधान सभा या संविधान बनाने में क्या क्या था और ब्रिटिशों का प्रयास क्या क्या था, वो दोनों चीज़ों हम अलग अलग कोरिलेटेड वो देखेंगे उससे, मतलब साथ साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल बात करते हैं कि बताइए, सामान्य बात है कि संविधान क्या है, आर्य भाषा में क्या है कि संविधान क्या है। तो देखो, आपको लिखने को नहीं आएगा कि आपको मेंस थोड़ी ना लिखना है, आपको तो अभी ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करनी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए बेसिक सामान्य भाषा में कि संविधान है क्या, मतलब। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना, संविधान अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो समधन विधान, मतलब समान विधान या समान कानून, मतलब आर्यभसम, मतलब इसका मतलब है कि किसी भी देश की, ध्यान देना बच्चे क्या कहा मैंने, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए, शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए लिए जो नियम और कानून बनाए जाते हैं, जो आपका रूल्स और आपके जो भी आपके पॉलिसी बनाई जाती हैं, नीतियां बनाई जाती हैं, तो मैंने क्या कहा, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए नियम और कानूनों का जो संग्रह होता है, उसी को हम उस देश का क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। आज आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, भारत का संविधान है और भारत के संविधान में क्या है, कानूनी तो है, नियमी तो है, और आज उन नियमों के आधार पर, उन कानूनों के आधार पर भारत की शासन की सत्ता को संचालित किया जा रहा है, भारत की शासन की सत्ता को रेगुलेट किया जा रहा है उन नियमों के आधार पर। देखो, आप टेक्निकल परिभाषा में मत जाएगा, सामान्य अगर कोई पूछे संविधान क्या है, एक लाइन में बोल दीजिएगा, संविधान किसी भी देश की शासन की सत्ता को संचालित करने के लिए जो नियम और कानूनों का संग्रह है, वही उस देश का संविधान है। समझ गए ना मेरी बात, बोलिए। लेकिन एक चीज जरूर याद रखना कि जो भी सरकार के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका कार्यपालिका, एक होता है आपका व्यवस्थापिका, क्या होता है, व्यवस्थापिका, और एक होता है बच्चे क्या, न्यायपालिका, जुडिशरी मतलब। तो बताइए, ये कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका का मतलब राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, जो सरकार होती है उसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं बच्चे। कार्यपालिका में कौन आते हैं, सरकार, प्रधानमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद, और आपके राष्ट्रपति, मतलब समझ रहे हो ना। व्यवस्थापिका में क्या आता है, व्यवस्था बनाने का काम करती, जो आपका व्यवस्थाएं बनाती, कानून बनाती है, वो कौन है, संसद। और संसद में 2 सदन है, एक लोकसभा है और एक आपका राज्यसभा है, यही तो व्यवस्था बनाती है। और याद रखिएगा, ये राज्यसभा है और ये लोकसभा है, 2 सदन यहाँ बन गए मतलब। और हमेशा मैं जो भी समझाऊंगा आपके बेस पे समझाऊंगा सदन के हिसाब से, ठीक है ना। कोई भी बिल लाएंगे तो लोकसभा राज्यसभा यहाँ बन गए, और राष्ट्रपति मैं हूँ या लोकसभा अध्यक्ष मैं दोनों में काउंट हूँगा, ठीक है ना। दूसरा मैंने कहा न्यायपालिका, जुडिशरी, मतलब जो संसद, विधायिका द्वारा बनाया गया विधान या कानून,
कार्यपालिका द्वारा किया गया क्रियान्वयन, जो कानून विधान बना रही है, जो विधायिका बना रही है, उसको क्रियान्वयन कौन करता है? कार्यपालिका। राष्ट्रपति साइन करता है ना, लेकिन न्यायपालिका उसकी जांच करता है, क्या जो कानून विधायिका ने बनाया क्या ये ऐसा कानून तो नहीं बना है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट या हमारे संविधान में छेड़खानी कर रहा है। अगर ऐसा कानून बना दिया है तो न्यायपालिका उस कानून को क्या कर सकती है? शून्य घोषित कर देगी कि ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं। मतलब बोलो ना, मतलब सीधा सीधा मतलब है कि ये जो संविधान, मेरा संविधान है, इस संविधान क्या कर रहा है? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की निरंकुशता को क्या करेगा? रोकेगा। मतलब यह विधायिका द्वारा बनाए गए जो विधान है उस पर अपनी मोनोपोली को रोकने का काम करता कि ऐसा नहीं कर सकता है। आर्यवसम बोले तो मैं वही कह रहा हूं कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलाते कौन है? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। लेकिन वो किसके हिसाब से चलेंगे? जो उस देश का संविधान है। न्यायपालिका कैसा काम करेगी? भारत के संविधान के अनुसार काम करेगी। भारत की संसद कैसे व्यवस्था काम करेगी? भारत के संविधान को ध्यान में रखकर काम करेगी। भारत के राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद कैसे काम करेंगे? संविधान को ध्यान में रखकर के। मतलब बोलो ना, समझ रहे मेरे? अब एक चीज याद रखना कि किसी भी देश में अगर मैं बात करता हूं, चाहे कोई देश लोकतांत्रिक हो, चाहे गणतंत्रात्मक व्यवस्था हो, चाहे राजतंत्रात्मक व्यवस्था हो, चाहे अधिनायकवाद हो, मतलब किसी भी प्रकार की व्यवस्था क्यों ना हो, किसी भी देश की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन संविधान हर देश में पाया जाता है। संविधान हर देश में पाया जाता है, लेकिन संविधानवाद हर देश में जरूरी नहीं होगा। अगर आपसे बोलें कि आप बताएगा कि 1947 की मैं बात करता हूँ, बच्चे पहले कब की बात कर रहा हूँ? 1947, 1947 में हम स्वतंत्र हुए हैं, हुए ना? क्या 1947 से पहले भारत में संविधान था? क्या 1947 से पहले भारत में संविधान था? तो भारत की व्यवस्था कैसे चल रही थी? कैसे चल रही थी? बिल्कुल था। मैंने अभी बोला ना, मैंने क्या बोला, एक लाइन सुन लो। मैंने कहा था किसी भी देश में, चाहे वहां पे लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो, गणतंत्र हो, कोई भी देश में, विश्व की बात कर रहा हूं, लेकिन संविधान हर देश में पाया जाता है। भले 1947 से पहले भारत का अपना संविधान नहीं था, वो तो 47 के बाद ही बना है, लेकिन 1947 से पहले ब्रिटिश लोगों ने 1909 का एक्ट क्या था, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम क्या था, 1935 का भारत परिषद अधिनियम क्या था, वो भी तो कानून थे, और उन कानूनों के आधार पर भारत की व्यवस्था को संचालित किया जा रहा था। लेकिन ब्रिटिशों के द्वारा भी यहाँ पे जो कानून बनाए गए थे वो भी तो संविधान था। सुन लो ना मेरे, आप खुद देखिएगा, आप एक छोटी सी रियासत की मैं बात करता हूँ पहले, एक टिहरी रियासत, इसे आप अच्छे से जानते हैं इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। टिहरी रियासत का विलय उत्तर प्रदेश संघ में या भारत संघ में 1 अगस्त 1949 को किया गया था। अंतिम राजा मानवेंद्र शाह जी थे। अब आप बताइए, क्या टिहरी रियासत के अंदर जब तक वो भारत संघ में शामिल नहीं हुआ, वहाँ राजा का रजवाड़ा था, क्या वहाँ का कोई संविधान नहीं था? क्या राजा के अपने नियम कानून नहीं थे? क्या राजा की अपनी व्यवस्थाएँ नहीं थी? हैं, बोलो ना। तो याद रखना, टिहरी रियासत में भी संविधान था। सुन रहे हो ना मेरी बात? मतलब मैंने कहा किसी भी व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो नियम और कानून होते हैं वो कहाँ? संविधान है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि सर 1947 के बाद भारत का अपना स्वयं का संविधान बना है, मतलब ठीक है ना, लेकिन उससे पहले भारत की व्यवस्थाएं चल रही थी, ब्रिटिशों के अधीन हम थे, ब्रिटिश सरकारें चला रही थी, लेकिन वो भी एक कानून व्यवस्था बना करके चला रही थी, तो उस समय भी संविधान था। आज चाइना में भी संविधान है, बोले ना, आज ब्रिटेन में भी संविधान है, लेकिन संविधानवाद हर जगह नहीं है। संविधानवाद मतलब जहां संविधान को सर्वोच्च माना जाता है वहां संविधानवाद होगा, मतलब जो सरकार की निरंकुशता को रोकने का काम करता है। इसलिए भारत में संविधान के साथ साथ संविधानवाद भी है, क्योंकि संविधान मतलब है, लेकिन वहां हमारे यहां सरकार मोनोपोली करती क्या? क्या आज नरेंद्र मोदी जी मन मर्जी से कुछ भी कर सकता है? क्या कर सकता है? सत्ता में है, लेकिन संविधान से ऊपर नहीं। संविधान उसे रोकता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और ऐसा कर भी नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि हमारे संविधान के अभिभावक कौन है? सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, वो रोकती है। और मोदी जी को साफ, अब देखा आप लोगों ने, एक स्टेटमेंट चल रहा है DY चंद्रचूड़, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, आजकल कई बार मीडिया में भी चल रहा है कि DY चंद्रचूड़ ने नरेंद्र मोदी की सरकार के दम को घोटने का काम कर रखा है। मतलब उसने कई डिसीजन ऐसे दिए हैं जो सरकार को रोक रहा है, कह रहा है कि आप गलत कर रहे हैं। लेकिन आज तक, अब मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता ऐसी चीज़ें कुछ,
है ना, कहीं मोदी जी सुन ले तो हमें मानहानि का दावा हो जाएगा, है ना। तो वही मैं बात कर रहा हूँ, समझ गए ना मेरी बात। मतलब संविधानवाद क्या होता है, एक लाइन में समझेगा, संविधानवाद क्या होता है, जहाँ संविधान को सर्वोच्च माना जाता है, जहाँ पे सरकार की या राज्य की निरंकुशता को रोका जाता है, कि सरकार की मोनोपोली नहीं होने देता है। लेकिन चाइना में संविधान है लेकिन संविधानवाद, इसीलिए चाइना, दक्षिण कोरिया में संविधान है संविधानवाद नहीं है, देखा नहीं था जी में उनकी क्या करता था उस समय, है बोलिए। तो वहाँ संविधान है, संविधान हर देश में है, नियम कानून हर देश में है, लेकिन संविधानवाद हर देश में नहीं, वो भारत जैसे देश में अच्छे से हो सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, टिहरी रियासत आप समझ गए, पहले क्या 1947 से पहले वहाँ संविधान, भले आज का नहीं लेकिन उनका राजा का तो कुछ संविधान था। अरे तुम्हारे घर में भी संविधान है, क्योंकि तुम्हारे घर के अपने कुछ नियम कानून कुछ दायरे होते हैं, पेरेंट्स का एक हमारे घर के संस्कार होते हैं, वो भी एक कानून तो हमारे, कि हमारे घर का ये नियम है भाई, मेहमान आता तो उसकी इज्जत किस प्रकार से करनी है, है ना। तो कई सारी चीज़ें, तो हर जगह रूल्स जो नियम होते हैं वही संविधान है, सिंपल सी बात है, समझ रहे हैं। लेकिन हम भारत के संविधान की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, पूछ रहा कोई, पूछ लेना जहाँ से मर्जी करे। दूसरी बात यहाँ पे बात करते हैं, संविधान समझ गए, एक लाइन में याद रखना बस, किसी भी देश की शासन की सत्ता को संचालित करने के लिए नियम और कानूनों का जो कलेक्शन या संग्रह होता है उसी को उस देश का क्या कहते हैं, संविधान कहा जाता है, भाई एक लाइन में याद रखना। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो संविधान है ना, तो संविधान की अगर बात करते हैं तो संविधान दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। अब दो प्रकार का कैसे है, एक तो आप देखोगे, एक तो होता है आपका लिखित संविधान, कैसा संविधान होता है, लिखित रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, और एक होता है बच्चे आपका कैसा, अलिखित संविधान, अलिखित संविधान, आ रही बस। लिखित संविधान नाम से पता चल रहा, ज्यादा परिभाषा नहीं पड़े नहीं इसकी, बस सिर्फ लिख रहा है कि ऐसा जिस देश का संविधान एक दस्तावेज के रूप में रिटर्न किया गया है, लिखा गया है ना, वहां की असेंबली के द्वारा, उसे को हम लिखित संविधान कहते हैं। मतलब जहां पे नियम कानूनों को रिटर्न रूप से लिखित रूप से संग्रह किया गया है उसे हम लिखित संविधान कहते हैं, और जिस देश का संविधान में जो नियम कानून लिखा हुआ नहीं है, एक दस्तावेज के रूप में नहीं है, जहां पे रीति या परंपरा रीति रिवाजों के आधार पर न्यायिक निर्णय के आधार पर व्यवस्थाएं चलती है, वो आपका अलिखित संविधान होगा। अब हमारे यहां आप देखो, हमारे यहां माना कोई चोरी करता है ना, चोरी करता है तो आपको सबको पता है आज की डेट में चोरी किया, अब कोर्ट में जाएगा, कोर्ट अब देखेगा हाँ कित कौन सी चोरी की है, अच्छा ये वाली धारा इतने के तहत आईपीसी के तहत इसे इतने साल की सजा, बोले ना लिखा हुआ है, सुन रहे ना मेरी बात। तो मतलब लेकिन अगर मैं बात करता हूं जहां अलिखित संविधान है, ठीक है, जहां लिखित है वहां तो रिटर्न के आधार पर जो लिखा हुआ है उसके आधार पर व्यवस्थाएं चल रही है। माना मेरे संविधान में लिखा हुआ है, मैंने आपसे कहा था कि आर्टिकल 74 में साफ लिख रखा है, क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को, सुन लेना मेरी बात पहले, राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए और उसको एडवाइस देने के लिए क्या होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होगी, और जिसका मुख्य कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, और राज्यों में कौन होता है, मुख्यमंत्री। जैसे राज्य में सेम आर्टिकल 163 की बात करें, आर्टिकल 163 में साफ लिखा हुआ कि राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, धामी जी हैं, मतलब सीधा सीधा लिखा हुआ है ना। तो आज जो भी काम सरकार करती है और राज्यपाल को कोई भी एडवाइस सरकार देती है, धामी जी कहेगा कि राज्यपाल जी नकल विरोधी कानून तुरंत अध्यादेश जारी कर दो, करना पड़ा 11 फरवरी को, सुन रहे हो ना मेरी बात, क्यों, किसकी सलाह से, मंत्रिमंडल की सलाह, मेरे संविधान में लिखा हुआ, मैं नहीं बोल रहा। तो राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए क्या बनती है, तो इसीलिए मैंने कहा कि जहां के नियम और कानूनों को एक रिटर्न या दस्तावेज के रूप में लिखित रूप में जहां का कलेक्शन किया गया उसे क्या कहते हैं, लिखित संविधान। और आप बताइएगा कि विश्व में अगर बात करते हैं तो यूएसए का संविधान कैसा है, रिटर्न है, बात करें भारत का संविधान कैसा है, रिटर्न है,
बात करें स्विट्जरलैंड का संविधान कैसा है, रिटन है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ अलिखित, यहाँ लिखा हुआ नहीं, मतलब यहाँ पे कैसा चलता है, परंपराओं के आधार पर, रीति रिवाजों के आधार पर, वहाँ न्यायालय के निर्णय के आधार पर, मतलब आज लिखा हुआ नहीं लेकिन न्यायालय के सामने कोई मामला आया, न्यायालय ने निर्णय दे दिया, वही वहाँ संविधान है। देखो ना, न्यायालय वहाँ सर्वोच्च है मतलब। लेकिन हमारे ऐसा थोड़ा ना, न्यायपालिका को भी संविधान रोकता कि ऐसा नहीं, ऐसा करना है, बोलो ना। लेकिन वहाँ नहीं है। माना मैंने चोरी की वहाँ पे, अब चोरी किया माना लिखित, ऐसा कुछ नहीं, मामला न्यायालय में गया, न्यायालय ने बोला इसे फांसी दे दो, मिल गए फांसी, सुन रहे हो ना। या परंपराएं मतलब कि जो हमारे पहले से चली आ रही व्यवस्थाएं हैं, मतलब रीति रिवाज है, मतलब एक हिसाब से उसके आधार पर, मतलब जैसे मैंने आपको एक दिन समझाया कि हमारे यहाँ बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ ना साल भर में फलाने महीने में वो त्यौहार आता है कि है चैत्र के महीने में, बैसाख के महीने में, जब भी आता ना गांव में त्यौहार, अब क्यों मनाते हैं, क्या लिखा हुआ कहीं डायरी तुम्हारे यहाँ, क्या बोलते हैं आप लोग कि हमारा रीति रिवाज है जी, पारंपरिक त्यौहार है, हमारे पूर्वजों ने मनाया तो हम भी मना रहे हैं, है ना, यही तो बोलते हैं। तो वहाँ यही व्यवस्था है, मतलब लिखा हुआ नहीं लेकिन रीति रीत परंपराओं के आधार पर जहाँ पे व्यवस्थाएं चल रही है, मतलब ठीक है ना। लेकिन भारत में ऐसा है क्या, संविधान है, लिखित है मतलब। तो याद रखना, अगर बात करें ब्रिटेन का संविधान कैसा है, अलिखित है। इजराइल का संविधान कैसा है, अलिखित है। सऊदी अरब का संविधान कैसा है, अलिखित है। कई देश हैं ऐसे जिनका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ व्यवस्थाएं कैसे चलती है, परंपराओं के आधार पर, रीति रिवाजों के आधार पर, न्यायिक जुडिशरी के डिसीजन के आधार पर, उसी को क्या कहते हैं, अलिखित संविधान कहते हैं। समझ गए, आपको सिर्फ दो लाइन में समझना, जिस देश का संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में नहीं है उसे अलिखित संविधान कहते हैं। वहाँ की व्यवस्थाएं परंपराओं, रीति रिवाजों और न्यायिक निर्णयों के आधार पर संचालित होती हैं, जैसे ब्रिटेन, इजराइल, सऊदी अरबिया। लेकिन लिखित संविधान ऐसा संविधान जहाँ एक डायरी या लिखित रूप से एक दस्तावेज के रूप में लिखा हुआ है, आ रही बात समझ में, और वहाँ की व्यवस्थाएं उस संविधान लिखित रूप से चलती हैं, जैसे भारत, अमेरिका, बोलो ना, सुन रहे हो मेरी बात। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताइए बल कि विश्व में सबसे पहले संविधान का विचार कहां से आया था। तो याद रखना कि विश्व में सबसे पहले संविधान का विचार अगर आपसे पूछे तो याद रखेगा बच्चे कि ब्रिटेन से आया था, मतलब कहां से आया था, ब्रिटेन से। आज देखिए ब्रिटेन का लिखित नहीं है, अलिखित है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन विश्व का सबसे प्राचीन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपसे पूछा जाए तो ब्रिटेन का संविधान है। तो बताए विश्व में सबसे प्राचीन संविधान किसका है, क्योंकि ब्रिटेन के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर हेनरी मैन। कौन थे, सर हेनरी मैन, और इन्हीं के द्वारा बच्चे सबसे पहले संविधान का विचार दिया गया था। तो इसीलिए आज विश्व में संविधानों की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है, मतलब इसने पूरे विश्व को पाठ पढ़ा दिया कि कुछ संविधान भी होता है बस। और यहीं से हर देश ने सीखा है और इसलिए हर देश ने अपना संविधान बनाना शुरू किया है, समझ गए। तो विश्व में सबसे प्राचीन संविधान किसका है, संविधानों की जननी के नाम से किसे जाना जाता है, ब्रिटेन को संविधान की क्या कहते हैं, जननी के नाम से जाना जाता है, आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज याद रखना कि अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब देखो लिखित संविधान किसका है, तो अमेरिका का होगा। तो किसका सबसे पहला लिखित संविधान था, लिखित संविधान बच्चे सबसे पहले किसने बनाया था, यूएस के द्वारा बनाया गया था। क्यों, देखो जैसे भारत ब्रिटेन की कॉलोनी रही है ना, उपनिवेश रहा है, समझ रहे हो ना मेरी बात, वैसे ही अमेरिका भी ब्रिटेन की कॉलोनी रहा था। लेकिन अमेरिका, आपको पता है कि जो यूएस है ये 1776 में क्या हो गया था बच्चे, इंडिपेंडेंट हो गया था, आजाद हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। और जब इसे आज़ादी मिल गई 4 जुलाई 1776, पता होगा, और जब इसे आज़ादी मिल गई तो उसके बाद इसने अपना संविधान बनाना शुरू कर दिया था, सुन रहे। लेकिन अब इसने अपना संविधान 1789 के आसपास, अमेरिका का संविधान क्या हो गया था, लागू हुआ था बच्चे। भाई 4 जुलाई 1776 को तो अमेरिका इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हुआ, और जब उसने उसके बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न रूप से बनाना शुरू किया, और अपना संविधान कब लागू किया, 1789 में अमेरिका ने अपना संविधान को क्या किया है, लागू कर दिया है। तो अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ,
तो याद रखना, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अगर आपसे पूछा जाए तो किस देश का होगा, विश्व का सबसे प्राचीन संविधान किस देश का होगा। ये बेसिक चीजें हैं, मतलब ये पता होना चाहिए। आर्यवसम, विश्व में सबसे पहले संविधान का विचार कहां से आया? ब्रिटेन से ही आया था बच्चे, बोले ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं अमेरिका का संविधान, और जो हम बात करें लिखित तो है, लेकिन आपने देखा होगा कि अमेरिका का संविधान, यहीं पे लिख देता हूं, अमेरिका का संविधान बच्चे कैसा संविधान है? तो याद रखना, अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है, रिज्ड है, मतलब बोले ना। अमेरिका का संविधान कैसा है? कठोर का मतलब आगे विशेषता में भी पढ़ेंगे, कठोर का मतलब जिसमें आसानी से संशोधन नहीं होता है, कुछ चेंजेस नहीं हो सकता है, मतलब बोले ना, समझ रहे हो ना मेरी बात, बहुत कठोर रिज्ड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ब्रिटेन का संविधान, और ब्रिटेन का संविधान अगर आपसे पूछे तो आप समझ जाएगा ब्रिटेन का संविधान कैसा है। अब लिखा ही नहीं गया तो लचीला तो होगा ही, जैसे जैसे निर्णय आ रहे हैं बस जैसा मर्जी चाहे। तो याद है ना, ब्रिटेन का संविधान कैसा है? लचीला। और अमेरिका का संविधान कैसा है? समझ रहे हो ना, मतलब दो लाइन में समझ गया। लचीले का मतलब कि जिस देश के संविधान में बहुत इजीली तरीके से क्या हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है, संशोधन हो सकता है, चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन कठोर का मतलब जिसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता, जैसे अमेरिका का संविधान है। लेकिन अगर हम यहाँ पे तुलना भारत की करें तो भारत का संविधान हम पढ़ते हैं कठोर भी है और लचीला भी है। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अलग अलग, तीन प्रकार से अमेंडमेंट होता है मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन भारत के संविधान में बहुत इजीली तरीके से भी अमेंडमेंट होता है, इसलिए लचीला भी है और कठोर भी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान कठोर एवं कैसा है? लचीला है। समझ रहे हो ना बच्चे, बोले बोले तो कठोर और लचीला। अब आप बोलोगे सर लचीला कैसा है? अरे लचीला नहीं है, आप खुद देखिए, आज 2023 चल रहा है ना, आज 2023 में अगर मैं बात करता हूँ, 2023 में आज भारत, आज तक 1950 के बाद से जब से संविधान लागू हुआ है तब से लेकर के आज तक भारत के संविधान में टोटल 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं। बताइए कितने संवैधानिक संशोधन अधिनियम हो चुके हैं? 105, सुना है ना, मतलब आज तक जो हमारे संविधान हैं उसमें टोटल 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं, संशोधन अधिनियम हो चुके हैं, मतलब कई बार इतने बार चेंजेज हो चुका है, जोड़ा तोड़ा मतलब उसमें अभी बाद में बात करेंगे। अभी आप ये मत देखो सर संशोधन कैसे होता है, वो हम बताएंगे, वो हमारा काम है। अभी आप सिर्फ बेसिक समझो आज क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब समझ रहे हो। तो भारत का संविधान कैसा है? कठोर और लचीला दोनों है, वो हम बताएंगे। हम जब विशेषता पढ़ाऊंगा ना वहाँ पे हम लिखाते हैं कि भारत का संविधान अधिक लचीला और कम कठोर है। अब वो कम कठोर क्यों बताता हूँ? इसकी तुलना में यहाँ का कठोर है लेकिन भारत का उतना कठोर नहीं जितना अमेरिका का है, इसीलिए भारत का संविधान कम कठोर है ना और अधिक लचीला है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब इजीली तरीके से संशोधन हो सकता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझ गए लचीला किसका। अब एक चीज़ और ध्यान, कभी भी एग्जाम में अगर पूछे कि निम्नलिखित में से डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है, मतलब विकसित संविधान किसका है, तो ब्रिटेन ही नहीं बोलोगे आप लोग, आप सीधा सीधा समझ जाएगा जिन देशों का संविधान कैसा होता है, अलिखित संविधान होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो संविधान कैसा होगा? विकसित होगा। बोलो कैसा होगा? विकसित होगा। इसलिए ब्रिटेन का संविधान कैसा हो गया? तो अगर चार ऑप्शन दिए हैं और पूछ लिया कि बताइए ब्रिटेन किस देश का संविधान विकसित है, ऑप्शन में ब्रिटेन है, तो आंसर क्या करोगे? ब्रिटेन करोगे। बोले बच्चे यहाँ तक समझ गए ना। तो अलिखित संविधान कैसा होता है? विकसित कहा जाता है। अब एक चीज और ध्यान देना, अगर बात करते हैं कि विश्व का सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, अब कई बार कंफ्यूज हो रहे हैं, देखो आंसर मुझे पता था दो दो तरह से आएंगे, एक बोलेगा मोनाको, एक बोलेगा यूएसए, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। अब मैं बता रहा हूं ना सही क्यों है, अब यहां पे ध्यान देना। देखिए सबसे छोटा संविधान, मैं दोनों में क्लियर कर देता हूं, सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान, भारत की बात नहीं कर रहे, भारत को तो हम तुलना में कर रहे हैं ना बाद में, फिर सबसे छोटा संविधान अगर विश्व का पूछें तो कई किताबें आपको लिखाती है सर मोनाको विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको का है,
और मोनाको एक देश है यूरोप महाद्वीप के अंदर है बच्चे। कहाँ है ये? यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है, सुन रहे हो ना मेरी बात। लेकिन कुछ किताबें आपको देती हैं कि यूएसए का संविधान क्या है, बल सबसे छोटा है, है ना। आप क्या मारोगे एग्जाम में? यूएसए, यूएसए। अब मैं बता रहा हूँ, आप टेंशन में मत रहो, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना कि विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको को क्यों कहा जाता है और यूएसए को क्यों कहा जा रहा है। देखिए विश्व का, ये तो आपको पता ही है ना कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, इतना तो जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? क्योंकि भारत का संविधान जब 1950 को लागू किया गया था तो आपको पता है कि 22 पार्ट, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां, 12 मत बोल देना रे, 8 शेड्यूल थी, मतलब थी ना। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, अमेरिका का संविधान इसलिए सबसे छोटा है कि यूएस के संविधान में अगर मैं बात करूँ टोटल ओनली 7 आर्टिकल हैं। अब बताए 395 आर्टिकल भारत में और अमेरिका के संविधान में केवल 7 आर्टिकल हैं। कितने आर्टिकल हैं? अब बताइए, छोटा नहीं है? बोलिए। अमेरिका के संविधान में अनुच्छेद के आधार पर मैं बात करूं तो सबसे छोटा है बच्चे, क्योंकि केवल अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा इसलिए क्योंकि अमेरिका के संविधान में ओनली 7 आर्टिकल हैं, 7 अनुच्छेद है मात्र। आ रही बस हम? लेकिन अब क्यों है 7? अब यहां पर ध्यान दो, अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है, सुन लेना मेरी बात पहले। कौन सी व्यवस्था है? अभी मैं बताऊंगा। संघात्मक, जिसे हम कहते हैं बच्चे क्या, फेडरल सिस्टम मतलब। लेकिन भारत में भी संघात्मक है, भारत भी है। अब देखिए अमेरिका में भी संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक का मतलब होता है, संघ का मतलब होता है केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, मतलब जितनी पावर केंद्र को है उतनी पावर राज्यों को भी होनी चाहिए, बोले सुनना ना मेरी बात पहले। लेकिन भारत में जो मैं बात करूं, भारत में भी संघात्मक है, ऐसा मत कर देना नहीं है। लेकिन हमारे यहां जो भारत का संघात्मक व्यवस्था है, भारत ने जो संघात्मक व्यवस्था को लिया, फेडरल सिस्टम को लिया है, वो यूएसए वाली नहीं बल्कि हमने कनाडा के संविधान से लिया है। कहां से लिया है? कनाडा में भी संघ है, संघीय व्यवस्था है, अमेरिका में भी संघीय व्यवस्था है, सुनना मेरी बात पहले। लेकिन भारत में कौन सी व्यवस्था है, अमेरिका वाली कनाडा वाली? कनाडा वाली। मतलब कि भारत में संघात्मक व्यवस्था तो है लेकिन भारत में केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं और राज्यों को कम दे रखी है, बोले ना। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अरे केंद्र करता है ना, नहीं दिया उनको राज्यों को, ना तुम नहीं करोगे बल, है ना। या आपने देखा कि भारत का जो फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, भाई केंद्र राज्यों के बीच में करों का बंटवारा करता है, कौन नियुक्त करता है? केंद्र, है ना। आप देखेगा अखिल भारतीय सेवा या कई सारे कानून, कई सारी व्यवस्थाएं केंद्र ने अपने पास रखी है, राज्यों को नहीं दिया है। लेकिन अमेरिका में भी संघात्मक है और अमेरिका में ऐसी संघात्मक व्यवस्था है जहां पे पावर को सेंटर और स्टेट के बीच में बराबर बंटी हुई है। जितनी पावर राज्यों को है उतनी ही किसको है? केंद्र को भी है। समझ रहे हो इस बात को पहले? मतलब जहां पे अमेरिका में अगर बात करता हूं संघात्मक व्यवस्था, आप कंफ्यूज मत होना, आप सीधा समझ जाएगा कि संघात्मक व्यवस्था यूएस में भी है, भारत में भी है। लेकिन भारत की संघात्मक व्यवस्था कैनेडाई मॉडल पर आधारित है क्योंकि भारत में केंद्र के द्वारा राज्यों को कम शक्तियां दी गई, अपने पास ज्यादा पावर है ना। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां पे केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बराबर बंटवारा किया गया है, सुन रहे ना मेरी बात। जितनी पावर उसको उतनी इसको भी। अब देखें अमेरिका में आपने देखा होगा कि यहां पे अगर बात करें, यहां पे केंद्र का अपना कानून संविधान है और राज्यों के भी अपने संविधान है, बोलो ना। मतलब राज्य और केंद्र दोनों बंटे हुए हैं बच्चे, बोलो। राज्यों का अपना संविधान है और सेंटर का क्या है? अपना संविधान। क्या भारत में ऐसा है? भारत तो पूरे भारत के सब राज्यों का संघ है बल, और पूरे भारत तथा 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरी का एक ही संविधान है। लेकिन अमेरिका में संघ का अलग है, राज्यों का अलग है, सुन रहे हो ना। इसलिए तो अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी, ड्यूअल सिटीजनशिप है। अगर मैं अमेरिका में जाऊं और मैं अमेरिका की नागरिकता लेना चाह रहा हूं तो अमेरिका की नागरिकता लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले संघ से लिया, उसके बाद अगर मैं जिस राज्य में जाऊंगा, मैं कैलिफोर्निया में जाऊं, मैं बोस्टन में जाऊं, तो वहां के राज्यों सरकार से भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। क्या भारत में ऐसा है? आप भारत की नागरिकता ले रहे हैं, कोई आ गया है
जो भी शर्तें हो वो आपको भाग दो में पढ़ाऊंगा, लेकिन भारत सरकार से नागरिकता ले लिए होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत वो भारत में कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, कहीं भी वोट कर सकता है, बोले ना, क्योंकि भारत का नागरिक हो गया। लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, क्योंकि उन्होंने राज्यों को भी अधिकार दिया है कि राज्यों के अपने संविधान है, केंद्र का अपना है, तो राज्यों की पावर राज्यों को दे दी। बोलो ना, केंद्र ने जैसे रक्षा संबंधी मामला, वित्त संबंधित मामला, रेवेन्यू संबंधित मामला वो सेंटर ने अपने पास रखे हुए हैं, इसीलिए टोटल 7 आर्टिकल क्यों रखने ज़्यादा उन्होंने, समझ रहे ना मेरी बात, बोलिए। तो इसीलिए अमेरिका का संविधान क्या है, सबसे छोटा है, कि वहाँ पे संघात्मक देखो ना, केंद्र राज्यों के बीच में शक्तियों का बराबर बंटवारा है। लेकिन हमारे यहाँ पावर्स ज़्यादा किसने रखा अपने पास, केंद्र ने, राज्यों को नहीं दिया ज़्यादा, और नहीं दिया तो इसीलिए भारत में संघात्मक तो है, लेकिन भारत में एकात्मक ज़्यादा है, संघात्मक कम है, मतलब ज़्यादा पावर केंद्र के पास है, राज्यों को कम है। सुन रहे ना मेरी बात, बोले, क्योंकि भारत का पूरे देश का एक संविधान है, यहाँ कोई अलग अलग नहीं। हाँ, आप मान सकते हो सर, जैसा जम्मू कश्मीर वाला था पहले, 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर का धारा 370 पड़ी थी, वहाँ का अपना संविधान था, बस सेम ऐसे था अमेरिका के अंदर भी, है ना, बोले। तो अमेरिका का संविधान अनुच्छेद के आधार पर मैं बात करता हूँ, केवल 7 आर्टिकल हैं, तो विश्व का सबसे छोटा संविधान। हाँ, रही बात मोनाको की, शब्दों के आधार पर जो लिखा है संविधान, मतलब आर्टिकल के आधार पर नहीं, जो लिखा हुआ है कि यहाँ के संविधान में टोटल शब्द लगभग 3000 कुछ हैं, बोले कितने शब्द हैं, 3000। तो शब्दों के आधार पर अगर बात करें तो शब्दों के रिटर्न के आधार पर, शब्दों के आधार पर विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन सा है, आर्यवसम। लेकिन भारत के संविधान में अगर शब्दों की बात करें ना, भारत का संविधान तो लगभग 1 लाख कुछ शब्द भारत के संविधान में है बच्चे, 1.5 लाख से ऊपर है, मतलब सुन रहे ना मेरे। तो इसीलिए शब्दों के आधार पर, तो कई किताबें तो मोनाको ही लिख देती हैं और कई किताबें यूएसए लिखती है, आपके पास एग्जाम में आएगा एनसीईआरटी यूएसए बोलता है तो आप एनसीईआरटी के बेस पे चलना, सुन रहे हो ना, आप लक्ष्मीकांत पे मत चलना ना आप सुभाष कश्यप पे चलना, किस पे चलोगे, एनसीईआरटी पे चलना पड़ेगा, सुन रहे हो ना। एनसीईआरटी गलत भी लिख दिया तो वही करना है, सही कह रहा हूँ मैं, अरे केस लड़ने के लिए तो ठीक हो जाएगा ना, सरकार में दावा तो कर सकते हैं, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बुक है, बोले, लक्ष्मीकांत ऑथेंटिक राइटर है, लेकिन एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत में जमीन और आसमान का अंतर है। ऑथेंटिक राइटर मतलब बहुत अच्छा राइटर है, मतलब अच्छी किताब है, मान्यता है, लेकिन भारत सरकार ने नहीं दे रखी उसे ऐसी मान्यता। एनसीईआरटी तो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है वो, है ना। एनसीईआरटी अगर लक्ष्मीकांत में ये लिखा और आपने बोल दिया सर एनसीईआरटी पे ये लिखा है, तो मैं लक्ष्मीकांत को करेक्ट कर वो गलत मान सकता हूँ, लेकिन एनसीईआरटी को नहीं मान सकते आप लोग, है ना। क्यों बोलते हैं लोग, सबसे पहले जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं एनसीईआरटी पढ़ो बल पहले एक बार, तब पढ़ो आगे की किताबें, क्यों, उससे आपका फैक्ट वगैरह वगैरह क्या हो जाएगा, वो डाउट वगैरह क्लियर हो जाता है, वो छोटे मोटे जो फैक्ट होते हैं, है ना। और लक्ष्मीकांत तो फैक्ट लिखता ही नहीं है, ज़्यादा फैक्ट थोड़ा ना लिखता है, वो तो बड़ी किताबें, वो तो थ्योरी ज़्यादा लिखते हैं, कॉन्सेप्ट लिखते हैं, आप समझ गए ना इतना पहले। तो विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका, केवल कितने आर्टिकल हैं, 7 आर्टिकल हैं। और अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा संविधान किसका है, भारत का। तो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका, और विश्व का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का हो गया, क्योंकि भारत के संविधान में हम बात करेंगे आगे कैसा कैसा है, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आता, बोलिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना बच्चे, कि अगर हम बात करते हैं कि भारत के संविधान में सबसे पहले संविधान का विचार किसने दिया, इस पे हम जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम एक फैक्ट आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले इसमें, कि याद रखना भारत के संविधान का जनक किसको कहते हैं, बाबा साहेब भी याद नहीं है उनको, तो याद कर लो, हैं, पता नहीं कितने डिग्रियों में पीएचडी थे, है ना, याद कर लो, संविधान का मनु, संविधान का शिल्पकार, संविधान का जनक, है ना, संविधान का पिता, बाबा साहब अंबेडकर को कहते हैं। वह बाद में देखेंगे जब संविधान बनेगा ना कि कैसे उसे इस बाबा साहब को क्यों कहते हैं और कैसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं संविधान निर्माण की, अब ये फैक्ट समझ गए ना, लिखित और अलिखित किसका कैसे था, मतलब अब यहाँ पर ध्यान देना, ये तो हम संविधान की बात कर रहे थे, अब संविधान निर्माण की बात करते हैं। अब देखिए संविधान निर्माण, एक चीज़ याद रखना, भारतीयों से हमने
अब मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपने देखा कि 1757 की प्लासी का युद्ध हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले क्यों आई थी भारत? व्यापार करने। लेकिन व्यापार करते 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 धीरे धीरे व्यापार को छोड़ती गई। 1757 में सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में क्या हो गया? बैटल ऑफ प्लासी हो गया। और प्लासी के युद्ध में ब्रिटिशों ने बता दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि हम अब व्यापारी नहीं बल्कि हम अधिकार करने वाले हैं। प्रभु सुन लेना मेरी बात, पहले वो एक इंडिकेट मतलब एक संकेत दे दिया उनको पहले युद्ध में, सुन लेना मेरी बात। लेकिन वो आपको बताया सिराजुद्दौला को कैसे मरवाया गया, कैसे हो गया, घसीटी बेगम, शौकत जंग है ना, चचेरे मौसरे सब ने मरवा दिया। लेकिन उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, और बक्सर के युद्ध में 1764 का जो हुआ है, जो उधर मीर कासिम, सुजाउद्दौला थे ना, अवध नवाब, बंगाल का नवाब, और शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह, ये तीनों संयुक्त रूप से हो गए। और उधर से हेक्टर मुंडरो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व तो कर रहा था। युद्ध हुआ, युद्ध में फिर ब्रिटिश ही विजय हुए और 1764 का युद्ध भी गया। और यहीं से 1764 के युद्ध के बाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ब्रिटिशों ने अपनी नींव भारत में खड़ी कर दी, मतलब आजाद राज करने का मतलब। अब 1757 से लेकर के जब से वो अधिकार करना शुरू किया भारत पर, और 1857 का जो पहला रिवोल्ट होता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 100 साल है बच्चे। इन 100 सालों में जो भी ब्रिटिशों के ऊपर, जो भी ब्रिटिशों ने भारत के ऊपर जो राज किया, मतलब मेनली पहले तो व्यापार था, उन 100 सालों का परिणाम 1857 की क्रांति थी। उसका नतीजा 1857 की क्रांति थी। क्यों क्रांति क्यों भड़की? आप वो मत देखिएगा सर, मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों का भय, वो तो तात्कालिक कारण था, तो मुद्दा चाहिए ना कुछ ना कुछ। बोलते ना, बिना बहाने के यमराज भी नहीं ले जाता है ना। अब उनको तो मुद्दा चाहिए था, वो तो 100 साल का पूरा गुस्सा था भारतीयों का, जो 1857 की क्रांति थी, वो एक दिन की उपज नहीं थी। वो तो चर्बी लगे कारतूस तो बात की बात है, वो तो तात्कालिक मुद्दा बनाया उन्होंने कि अब यहीं से शुरू कर दो, बोलो बहुत हो गया, अति हो गया है ना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ संविधान, तो संविधान निर्माण की अगर बात करें तो देखिए संविधान का विचार पहले, सबसे पहले संविधान का विचार। अब संविधान का विचार, लेकिन ब्रिटिशों से हमने कभी भी संविधान की मांग नहीं की। क्या नहीं बोला हमने? संविधान, हमें संविधान नहीं चाहिए तुम्हारा। अरे भाई, हम संविधान खुद अपना बनाएंगे ना, तुम्हारे हिसाब से थोड़े ना चले हैं, बोले ना। एक आदमी बताइए जो पहाड़ में, शहर से जाकर शहर में बैठा हुआ है, वो क्या बताएगा कि पहाड़ में क्या हाल है, ये स्लाइडिंग क्यों आ रहा है? अरे तू शहर में बैठा भाई, उससे पूछ जो पहाड़ में रह रहा है, जो भारत में रह रहा है, भारत के लोगों की समस्या उसको पता है, वो ही भारत के लिए कानून संविधान बनाने का काम करेगा ना। अब देखना गांधी जी क्या बोलते हैं आगे। तो यहां पे ध्यान देना कि संविधान का जो विचार है, तो याद रखना संविधान का विचार का विकास भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान से शुरू हो गया था, जब देश के अंदर आजादी के लिए मूवमेंट हो रहा था, जब आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ रहे थे, तो संविधान का निर्माण या संविधान सभा के निर्माण की बात भी आजादी के समय उन राष्ट्रीय आंदोलनों में चल रहा था। और संविधान का विचार है विकास कब से बचे? राष्ट्रीय आंदोलनों से, सुन लेना, राष्ट्रीय आंदोलनों से शुरू हो गया था। और राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारे यहां सबसे पहले देखें, तो राष्ट्रीय आंदोलन का विकास अगर बात करते हैं, इसकी शुरुआत जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, कब हुई थी? 1885 से लेकर के और 1947 तक, जब तक हमें आजादी नहीं मिली तब तक देश के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन भी चलते गए और देश की आजादी के लिए तो लड़ते गए, लेकिन साथ साथ में संविधान निर्माण के लिए भी हमने क्या किया? प्रयास किया। मतलब दोनों चीजें साथ साथ चल रही थी, संविधान निर्माण की बात भी और देश की आजादी की बात भी, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन भी और संविधान विकास की बात भी, दोनों एक साथ, दोनों क्या चल रहे थे बच्चे? साथ साथ चल रहे थे। मतलब बोले ना, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, इस राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में ही आजादी की बात भी चल रही थी। क्या चल रही थी? आजादी की बात कि हमें आजाद करो, हमें स्वतंत्र करो। और दूसरा क्या बात चल रही थी? संविधान निर्माण की बात चल रही थी, संविधान निर्माण की बात चल रही थी, ठीक है ना। बोले अब दोनों जब साथ साथ चल रही थी आजादी और दोनों, अब दोनों प्रयास एक साथ हो रहे थे। और सबसे पहले आपको पता है कि अब भारत के संविधान निर्माण के लिए, किसकी बात करूं मैं, संविधान निर्माण के लिए अगर हम बात करते हैं, तो संविधान निर्माण के लिए अंग्रेजों का भी भारत में प्रयास था और भारतीयों के द्वारा भी प्रयास किया गया, वो हम देखेंगे अलग अलग।
मतलब संविधान निर्माण के लिए किस किसने प्रयास किया? भारतीयों द्वारा प्रयास, बोलो। आप सोच रहे होंगे कि सर अंग्रेजों ने थोड़ी ना किया तो वो दे देते हमें। अरे देखना अभी कितना प्रयास करते हैं बेचारे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब हारने की नौबत आती ना तब आते हमारे सामने अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, लॉर्ड बेबल योजना। हमने कहा वापस ले जाओ, ये तो बोला आउट पोस्ट डेटेड चेक है, देखना क्या क्या बोलते हैं गांधी जी उनको। तो यहाँ देखना भारतीयों का प्रयास, किसका प्रयास? अरे भारतीयों का प्रयास तो बेचारों का पहले से रहा है, और दूसरा प्रयास किसका? अंग्रेजों का प्रयास। अंग्रेज मतलब जान रहे हो आप लोग कौन? ब्रिटिश, अंग्रेजों के प्रयास। बिना अंग्रेजों के प्रयास के हमारा संविधान सभा का निर्माण नहीं हो सकता था। हमारे संविधान का निर्माण अगर वो करते नहीं तो, माना अगर वो नहीं करते तो कहाँ हमारा संविधान बन जाता? क्या हमारा संविधान निर्माण हो जाता? नहीं होता। इसलिए दोनों का प्रयास था बच्चे। तो भारत की आज़ादी के लिए अगर हम बात करते हैं तो संविधान निर्माण के लिए भारतीयों के द्वारा प्रयास कौन कौन सा किया गया है और ब्रिटिशों के द्वारा प्रयास कौन कौन से किए गए, इनको हम आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे क्या होता है कि आपने देखा होगा जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो कांग्रेस थी, कौन थी बच्चे? कांग्रेस। कांग्रेस में अलग अलग विचारधाराएं चल रही थी। एक विचारधारा थी जिनका नाम था उग्रवादी, सुन लेना मेरी बात, और एक थी बच्चे क्या? उदारवादी, है ना, उदारवादी। और थोड़ा अगर मैं इससे हट के चलूं थोड़ा तो गांधीवादी, कि गांधी जी तो आपको पता ही है, है? वो तो आंदोलन पीक पर भी जा रहा तभी वापस ले रहे, ना जीवल ना हिंसा हो गई, हिंसा हो गई है, भगत सिंह को फांसी पर लटका गया तब हिंसा नहीं हुई, तब चुप रह गया है। अब देखो आप, उदारवादी और उग्रवादी, कांग्रेस की बात करो मैं थोड़ा पे, और एक है गांधीवादी। और गांधीवादी तो आपको अच्छे से जानते हैं ये क्या है, अहिंसा के पुजारी थे। ये तो सब कहते थे भाई देखो हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसात्मक रूप से काम करो, बोल शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो उदारवादी लोग थे ये दो धड़ क्यों हुए आपको पता? 1907 का कांग्रेस का सूरत अधिवेशन चल रहा था, अध्यक्ष पद को लेकर के भी विवाद चल रहा था, लेकिन वहीं पे इन दो धड़ों में विवाद हो गया और दो धड़ अलग हो गए। तो बताए कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? तो याद रखना 1907 में, क्योंकि संविधान सभा के साथ साथ हम हिस्ट्री को भी कोरिलेटेड करेंगे कुछ चीज़ें, मतलब भले लिखेंगे नहीं उनको, सुन ना। अब 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था और यहाँ पे कांग्रेस का क्या हो गया बच्चे? विभाजन हो गया। किस भाग में? उग्रवादी और गरम दल और नरम दल। अब उदारवादी क्या थे? हाथ जोड़ते हैं हमारे लिए ये काम कर दो, प्रार्थना पत्र दे करके, याचना कर करके, क्या अपनी मांगों को मनवा रहे थे ब्रिटिशों से, देख लो ना। लेकिन इन लोगों ने बोला कि बहुत हो गया हाथ जोड़ना, अब हमसे हाथ नहीं जोड़े जाते, हमसे प्रार्थना नहीं की जाती, मांगना है तो क्रांति करो, मांगना है तो जबरदस्ती छीन के लो, अगर देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो हम आंदोलन करेंगे, हम ये करेंगे मतलब। और ले कह रहे ना कौन कि नाजी बोलना ऐसा नहीं करना है, लेकिन इन्होंने कहा ऐसा करना है। और आपको बताइए यही जो उग्रवादी थे, तीन लोग तो याद कर लो इनको, लाल, बाल और पाल। बेचारा देखा नहीं, इतनी लड़ाइयाँ लड़े थे लेकिन बड़े मुश्किल से एक को भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका नहीं मिला, एक ही आदमी को मिला था एक बार बस। कभी आता क्वेश्चन कि बताइए कि बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए? जीरो, बनाया नहीं गया है ना। और बिपिन चंद्र पाल तो बेचारा कहाँ से बनेगा, ये तो बन भी गया था एक बार, लाला लाजपत राय जी बने हैं, याद रखना इसको। अब ये उग्रवादी, एक और इसमें याद कर लो कौन, अरविंदो घोष भी उग्रवादी था। कैसा था? उग्रवादी। कौन? सुना अरविंदो घोष का नाम? तो ये भी उग्रवादी था बच्चे, लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, ये तीनों उग्रवादी चारों थे। उग्रवादी का मतलब ये नहीं कि आतंकवादी थे, नहीं, कि हम जो भी लड़ाई लड़ेंगे हम अब हाथ नहीं जोड़ेंगे, हम याचना नहीं करेंगे, 100 सालों से हम यही करते आ रहे हैं, इतने टाइम से हम कर रहे हैं, लेकिन ये बात हमारे सुन ही नहीं रहे, अब हम इनसे दूर हैं, मतलब अब हम सीधे लड़ाई आंदोलन करके जैसा तैसा करके क्या करते हैं, अपनी मांगों को मनवाते हैं। अब देखो यहाँ पे, और यहीं से कौन बंदा? बाल गंगाधर तिलक। चले आगे, अब देखो भारतीयों का प्रयास बात कर रहा हूं मैं, किसका प्रयास? भारतीयों का प्रयास। अब ध्यान से समझना, अब भारतीयों का प्रयास संविधान सभा के निर्माण के लिए
पहली बार 1895 याद रखेगा। 1895 का समय था और 1895 में एक व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक विधेयक लाया गया था जिसका नाम था होम रूल बिल या स्वराज विधेयक। आपसे पूछेगा कि बताइए स्वराज बिल कब आया था, स्वराज विधेयक कब आया था? बिल्कुल, स्वराज विधेयक 1895 में। स्वराज विधेयक किसने लाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। सुन रहे हो, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना? और आपको पता है बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में जब स्वराज विधेयक लाया, मतलब स्वराज माने कि हमें स्वराज दो, बल एक बिल लाए थे, और पहली बार स्वराज विधेयक में संविधान निर्माण की बात कही गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भारत के लिए सर्वप्रथम कब संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी, तो आपका आंसर होगा 1895 में बाल गंगाधर जी के स्वराज विधेयक में बात की गई थी। बोलो ना, सुन रहे हो ना मेरी बात? बोले सबसे पहले, इससे पहले कभी बात ही नहीं हुई कहीं भी, मतलब 1895 में स्वराज विधेयक में क्या हुआ था? बाल गंगाधर तिलक ने भारत के लिए संविधान सभा के निर्माण के लिए बात की थी कि हमारे लिए संविधान सभा का गठन कर दो। बोल आ रही बसम। लेकिन बाल गंगाधर तिलक की हिस्ट्री मैं नहीं बताऊंगा ज़्यादा, इनकी किताबें क्या है वो यहाँ पे नहीं, हम संविधान की बात करते हैं। अब देखिए तो भारतीय व्यक्ति पहला कौन था जिसने संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रयास किया है? किया है ना, पहली बार अपने विधेयक में लाया। लेकिन क्या होता है, इसके बाद बीच के ईयर गायब कर रहा हूं, दूसरा प्रयास 1922 में, देख लो बच्चे अब 1922 में कौन? महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी क्यों? ये सांत्वना देना चाहते हैं तुम्हारे हमें, मतलब बहुत तेज आदमी था, बूढ़ा था लेकिन बड़ा। अब इसने क्या किया देखो, आपने, मैं थोड़ा हटा रहा हूं इसको, जोड़ के करेंगे कि आपने देखा बच्चे कि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, हुआ था कि हम ब्रिटिशों का क्या नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है? असहयोग आंदोलन शुरू हो गया, अपने चरम सीमा पर पहुंच गया, 1922 आ गया, चलता रहा। लेकिन अब हमें लग रहा था सभी को कि मतलब कुछ ही क्षणों में ब्रिटिश हमें छोड़ने वाले हैं और हमें आज़ादी मिलने वाली है, मतलब। लेकिन तब तक क्या हुआ, 1922 में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह गोरखपुर, सॉरी कौन सा है, गोरखपुर सुना है? ये गोरखपुर कौन से नदी के तट पर है? ताप्ती नहीं, राप्ती, राप्ती, ताप्ती नहीं, ताप्ती तो ऊपर है ना, नर्मदा और ताप्ती अलग है, राप्ती नदी के तट पर है। और गोरखपुर के अंदर एक पुलिस स्टेशन, अब आंदोलन चल रहे थे और भारतीय लोगों ने क्या लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, हिंसा हो गई, हिंसा हो गई। तो महात्मा गांधी को उस समय वहाँ थोड़ी ना थे, महात्मा गांधी कहीं दूर थे, उनको फ़ोन किया गया, अरे फ़ोन मतलब संदेश भेजा गया कि अरे बापू जी यहाँ पर तो हिंसा हो गई, 21-22 पुलिस जवानों की हत्या हो गई। गांधी जी ने कहा अरे तो बहुत गड़बड़ हो गया, मैं आंदोलन से पहले बोल चुका था, बल असहयोग आंदोलन से पहले, कि देखिए मैं हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, भारत को आज़ादी मिले ना मिले हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसात्मक रूप से आंदोलन करें। पर अब गोरखपुर की घटना हो गई, पुलिस जवान जलकर राख हो गए, जो भी हुआ है ना, अब महात्मा गांधी इससे थोड़ा नाराज हो गए, उन्होंने कहा मैं असहयोग आंदोलन वापस ले रहा हूँ। समझाया नेताजी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कई लोगों ने, मोतीलाल नेहरू ने, अरे बापू जी हमारा आंदोलन पीक पर पहुँच चुका है, अब रुक जाओ मत करो ऐसा, कि ना 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 मैं तो वापस ले रहा हूँ। और 1922 में चौरा चोरी घटना बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? चौरा चोरी घटना के कारण, गोरखपुर वाली, उसके कारण असहयोग आंदोलन क्या ले लिया, वापस ले लिया। सारे भारतीयों का विचारों की मेहनत धरी की धरी रह गई है ना। और एक चीज़ याद रखना, अन्ना हजारे का नाम सुना है? अन्ना हजारे को मैं महात्मा गांधी क्यों बोलते हैं, बोलते ना गांधीवादी है, मतलब है। मैं अपनी बात करूँ, तुम्हारी नहीं, किताबों की नहीं, अपनी बात। मैं इसलिए अन्ना हजारे को गांधीवादी मानता हूँ, उसके काम अच्छे हैं, आरटीआई एक्ट अन्ना हजारे की देन है, याद रखना इसे, जन लोकपाल भी अन्ना हजारे की देन है। लेकिन अन्ना हजारे को इसलिए मैं गांधीवादी मानता हूँ कि उसने भी ऐसे कर दिया गांधी जी के जैसे। एक बार 2011 में देश के अंदर जन लोकपाल बिल के लिए बहुत बड़ा आंदोलन पूरे भारत में चल रहा था, विदेशों तक चल रहा था कि जन लोकपाल बिल लाओ, बोल लोकपाल लोकायुक्त के लिए। लेकिन आंदोलन बड़ा तीव्र था, घर घरों में, छोटे छोटे कस्बों में आंदोलन हो रहा था उस समय, अगर याद होगा आप लोगों को। लेकिन क्या हुआ,
राहुल गांधी सोनिया गांधी गए कांग्रेस सरकार से, अरे बस तुरंत बिल रख रहे हैं, बोल हम आप आंदोलन अनशन तोड़ दो। अन्ना हजारे का पक्का कि हाँ, वह उन्होंने अनशन तोड़ दिया। राहुल गांधी ने बिल पास ही नहीं करा उस समय, तुरंत 11 की बात, वो 13 में हुआ था जन लोकपाल बिल पास, मतलब जब सरकार चुनाव होने थे, अब 14 में, तो 14 में तो मोदी जी ने कर दिया अपना चमत्कार। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो अन्ना हजारे जब आंदोलन इतना पीक पर पहुँच गया था, पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, अन्ना हजारे को सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन उसने पीक पॉइंट पर आंदोलन को वापस ले लिया, तो गांधी जी ने वैसे किया था, है ना। ये मेरा अपना व्यू है, मतलब ये मत बोला सर किताबों में लिखा गया, नहीं मैं मानता हूँ मतलब उसे, है ना। ये भी क्या करता, अन्ना हजारे ने भी बड़े पीक पे, अब दोबारा बैठे, फिर बैठे ना दोबारा केजरीवाल जब बैठा अनशन पे, फिर बाद में, अरे लोगों को इतना टाइम थोड़े ना, लोग खेती करते हैं, काम करते हैं, खाना खाना, डेली धरने में आते रहे तुम्हारे साथ, बीड़ी नहीं जुटी। तो यहाँ पे देखो गोरखपुर वाली घटना हुई, महात्मा गांधी का विरोध हो रहा था, और जब विरोध हो रहा था, महात्मा गांधी ने कहा ये तो बड़े गड़बड़ यार, अब क्या होगा, है ना। देखो कितना दिमाग लड़ाया गांधी जी ने। अब गांधी जी ने क्या कर दिया, 1922 में एक बात कह दी कि लोगों को थोड़ा शांत भी हो जाए कि ना ना गांधी जी ठीक हैं। अब गांधी जी ने 22 में क्या कह दिया, गांधी ने कहा देखिए हम भारत के लोग अपने द्वारा, स्वयं अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने संविधान का निर्माण करेंगे, मतलब भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, बल तुम्हारे अनुसार नहीं होगा। देख लो बड़ी बात बोल दी कि भारतीयों का संविधान कैसा होगा, भारतीयों का संविधान किसकी इच्छा अनुसार, भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ध्यान देना बच्चे, इच्छा अनुसार होगा, मतलब जैसा हम चाहेंगे वैसा संविधान होगा, मतलब हम स्वयं चुनाव लड़ेंगे, हम प्रतिनिधि चुनकर आएंगे, और हमारे ही लोग भारत के संविधान का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। और यही तो हुआ बाद में, भाई हमने खुद बनाया ना संविधान। तो महात्मा गांधी पे लोगों ने बोला यार ये तो बहुत अच्छी बात बोल दी इसने, कि हम भारत के लोग स्वयं चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीत कर आएंगे, और तब जाके हम अपना संविधान बनाएंगे। तुम संविधान नहीं, बल्कि तुम संविधान सभा का गठन कर दो, बस तुम केवल असेंबली का गठन कर दो, हम चुनाव खुद लड़ेंगे, हम आएंगे, हम अपने आप बनाएंगे, बस तुम संविधान सभा बना दो हमारे लिए। तो हमने कभी भी काय की मांग नहीं की उनसे, संविधान की नहीं की, हम क्या बोले उनको, संविधान सभा दे दो बस, और वही दिया ना उन्होंने बाद में। अरे कैबिनेट मिशन जब आया तो 1946 में संविधान सभा का तो गठन किया था, है ना। तो याद रखना महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट समझ गए ना, किसने क्या बोला कि हम भारत के लोग अपना क्या करेंगे, संविधान का क्या करेंगे, स्वयं अपने आप क्या करेंगे, संविधान का गठन करेंगे, संविधान के संबंध में जो भी बात कर रहे हैं। बोलो बच्चे यहाँ तक समझ गए। तो भारतीयों द्वारा दूसरा प्रयास देख रहे हो, किस व्यक्ति ने कहा कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग कब की गई थी, 1800, किस बिल में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे आगे समझना तीसरा पॉइंट। अब मैं थोड़ा यहाँ से थोड़ा हटूँ और कोरिलेटेड करूँ, देखो पॉइंट बताने तब तो मैं सीधे बता दूंगा भाई, तब तो मैं तीसरा पॉइंट रख देता हूँ कि इसने ये बोला, लेकिन मैं आपको हिस्ट्री में भी जोड़ रहा हूँ इनको, थोड़ा रीजन पता चल जाएगा ना, ऐसा हुआ, कॉन्सेप्ट जरूरी है ना, ठीक है। अब देखो तीसरी बात क्या है, आपने देखा होगा एक अधिनियम आया था 1919 का, और आपको पता होगा कि 1919 का एक्ट सुना बच्चे आप लोगों ने, पढ़ा तो होगा, इसे कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मतलब सुधार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, याद रखना क्या बोला मैंने इसका नाम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मैं इतना ही लिख रहा हूं, है ना, मतलब इसे 1919 का भारत परिषद अधिनियम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंडिया काउंसिल एक्ट मतलब। लेकिन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्यों बोले इसका नाम, क्योंकि जो ये मॉन्टेग्यू है ये भारत सचिव थे इस समय, कौन थे भारत सचिव के पद पर, भारत सचिव के पद पर कौन थे, मॉन्टेग्यू, और जो चेम्सफोर्ड थे इस समय ये कौन थे, ये गवर्नर जनरल थे, इतना समझ गए, इसीलिए उस एक्ट का नाम क्या हो गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, 1857 की क्रांति हुई, कौन सी क्रांति हुई, 1857 की, 1857 की जब क्रांति हुई थी, प्रथम रिवोल्ट मतलब, तो 1857 की क्रांति से पहले आपने देखा, तो 1857 की क्रांति से पहले भारत में किसका शासन, कौन शासन कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो आप जानते हैं, आ रहा हूं 5 मिनट, ईस्ट इंडिया कंपनी बोले ना,
लेकिन 1857 की क्रांति से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई उसका रिजल्ट भले असफल रहा क्योंकि हर जगह आप अपने नेतृत्वकर्ता अलग अलग थे, है ना, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशों ने एक अधिनियम लाया था जिसका नाम था 1858 का एक्ट तुरंत। और 1858 के अधिनियम में जो लाए बचे, इसके बाद क्या हुआ कि भारत का जो शासन था वो महारानी के पास चले गया, मतलब ब्रिटिश क्राउन के पास चले गया, बोले ना, मतलब जो यहाँ पे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी ब्रिटेन के द्वारा, अब शासन किसके हाथ में चले गया। तो 1858 में भारत का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया और किसके पास चले गया, महारानी जी के पास चले गया। राजतंत्र है ना, वहाँ पे राजा रानी बनते हैं। और जब महारानी जी के पास शासन गया तो आप ध्यान रखना कि इस इन्होंने अपने काम करने के लिए, अब देखो महारानी के भारत आती रहेगी, खैर इतना टाइम थोड़े ना भाई, रानी है, हैं राजा हैं, पूरे ब्रिटेन पूरे विश्व के अंदर कई देशों पर कॉलोनियाँ बना रखी थी। अब महारानी ने क्या किया कि अब जब भारत में अपना शासन स्थापित कर दिया, उनके नियंत्रण में आ गया, तो महारानी ने भारत में शासन करने के लिए एक भारत परिषद का गठन किया। किसका गठन किया? भारत परिषद, सुन लेना मेरी बात। और भारत परिषद का जो गठन किया गया, इस भारत परिषद में टोटल जो सदस्य थे ये 15 सदस्य रखे गए। कितने? और इन 15 सदस्यों का जो अध्यक्ष सम्मेलन इनमें, वो भारत सचिव का पद का गठन कर दिया। बोलिए, भारत सचिव का पद का गठन कब किया गया? भारत सचिव का पद कब गठित हुआ? 1858 के अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म और भारत किसके नियंत्रण में आ गया? ब्रिटिश क्राउन या महारानी के अधिकार में। और महारानी ने भारत में देख रेख के लिए एक भारत परिषद 15 सदस्य काउंसिल बनाई और उसका मुख्य कौन बनाया? भारत सचिव। तो पहली बार भारत सचिव पद का गठन हुआ बच्चे। ये भारत सचिव हमें समझो भारत का है सर, नहीं, लेकिन ये भारत सचिव भी भारत नहीं रहता था, ये भारत सचिव भी ब्रिटेन में ही बैठता था, लेकिन ये भारत को शासित कर रहा था वहां से, मतलब सुन। अब भारत सचिव जो था, इस भारत सचिव के नीचे भारत के अंदर जो थे वो था बच्चे आपके कौन? गवर्नर जनरल। पढ़ते हैं ना कि भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत सचिव वहां से 15 सदस्य परिषद जो थी सुनना, और उसके नियंत्रण में कौन था? भारत सचिव, गवर्नर जनरल, ठीक है ना। और जो गवर्नर जनरल की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नर जनरल आपने देख लिया ना, भारत सचिव कैसे आया, क्यों आया, कब आया, बोलो, हिस्ट्री में बनता क्वेश्चन। लेकिन अब जब इसके बाद 1919 के अधिनियम में एक कानून बनाकर लाए थे, इन्होंने कहा था कि देखिए भारत में हम क्या कराएंगे, बस चुनाव करवाएंगे, भारत में क्या करवाएंगे, चुनाव करवाएंगे। देखो कितने बड़ी चाल, और चुनाव करवाएंगे तो उसमें हम भारतीय लोग भी भाग लेंगे बल। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने साफ बोल दिया कि तुम चुनाव कराओ चाहे कुछ कराओ, हम तो चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, हम चुनाव में भाग लेंगे नहीं। तो बताइए, इस एक्ट में उन्होंने बात कही थी कि भारत के अंदर एक चुनाव करवाएंगे और चुनाव में आप लोग भी भाग लोगे, आपके प्रतिनिधि मतलब। हमने कहा नहीं, हम तो संविधान सभा चाह रहे हैं, हम तुम्हारे साथ थोड़ी ना बैठेंगे, हमें अलग से भारतीयों के लिए अलग से संविधान सभा बना दो, हम उसी में बैठेंगे, हम खुद अपने बात रखेंगे, सुनो ना। तो 1919 के अधीन में अब यहाँ पे क्या हो गया, जब चुनाव की बात हो रही थी, अब यहाँ देखो क्या होने जा रहा है, मतलब बोला कि तुम्हारे लिए चुनाव करवाएंगे। तो यहाँ पे बच्चे कांग्रेस में क्या हो गया, जो आपके 1922-23 की बात है, 23 के यहाँ पे क्या हो गया, दो गुट बन गए फिर। और गुट क्यों बने, अब ये दो गुट क्या बन गए, एक तो बना परिवर्तनवादी, क्या बना, परिवर्तनवादी, और एक बना अपरिवर्तनवादी। मतलब कुछ लोग चाह रहे थे कि ठीक है चुनाव करो और चुनाव लड़ करके हम तब आगे सदन में जाएंगे, तब हम अपना काम करेंगे, एक कर रहे ना 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 हम चुनाव में भाग लेंगे बल, सुन रहे ना मेरी बात। तो यहाँ पे जो परिवर्तनवादी जो परिवर्तन करना चाह रहे थे, सुनना मेरी बात, उन्होंने कहा ठीक है हम तो तैयार हैं तुम्हारे साथ, हम चुनाव लड़ेंगे। और यहीं पे एक नई पार्टी स्थापित हो जाती, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी मतलब परिवर्तन वाले। और स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को सीआर दास और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये बन गई है, और इस पार्टी ने बच्चे चुनाव में भाग लिया। और चुनाव में भाग लिया तो उसके बाद हम कल बात करेंगे कौन जीता कौन हारा, तो हम आपको आगे तब ले जाएंगे, ठीक है ना, समझ में आया ना, बोले। ये थोड़ा लंबा इसलिए होगा क्योंकि बेसिक चीज़ें अभी, तो जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा आगे चलेगा फिर मेन टॉपिक होंगे।
आज का नोट्स नहीं मिलेगा बच्चे, अभी तो मैं बेसिक चीज़ें हैं इसमें तो दो चार लाइनें मैं खुद दे दूंगा, ठीक है ना। आप नोट्स की टेंशन मत लो, मैं अपने नोट्स अपने हिसाब से दूंगा। नोट्स मिलेंगे आप लोगों को, आप टेंशन मत लीजिएगा। ओह मेरे को जान देते पहले, मेरी क्लास है, एक मिनट है, एक मिनट बच्चे मेरे को जान दे जरा, मेरी क्लास है, मैं जाऊँ। प्रणाम प्रणाम। और फीस उसमें रखी है, अगर महीने महीने देनी है तो 1500 रुपये महीना लिखा बैठा हुआ है, और एक साथ देनी है तो 13000 है रखी हुई है, और जिसको दो इंस्टॉलमेंट में देते हैं। पढ़ाने वाले जिसमें फैकल्टी हैं पहन गए वर्दी, ये दिक्कत होती है ना इनमें साले, एक तो जगह जगह जब पढ़ाते हैं ना, और ये वाले रेन कोट होते तो परेशान हो जाते हैं, कितने बार उतारो कितने बार पहनो। तब वो एक्टिवा वाला रेन कोट ठीक है, फिर कौन सा जो कल लाया था तू डालो सीधे, और एक मिनट बेटा हो गए बात। अरे चल ही रहा अभी भी, वो मैंने वो इंडिक किया बस, कोई दिक्कत नहीं।